पूरे बिहार और झारखंड के सबसे बड़े कपड़ों के स्टोर सबरंग का भागलपुर में भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। 25 सितंबर से कपड़ों के स्टोर सबरंग का शुभारंभ हो जाएगा। यहां हर उम्र के लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए हर तरह के कपड़े उपलब्ध रहेंगे। यहां कपड़ों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। स्टोर के प्रोप्राइटर किशोर घोष ने बताया कि तिलकामांझी चौक के पास कटहल बाड़ी में सबरंग शोरूम का शुभारंभ होने जा रहा है। यहां पूरे बाजार से सस्ते दामों में कपड़े मिलेंगे, साथ ही ऑनलाइन से भी सस्ते और बेहतर रेंज के कपड़े मौजूद रहेंगे। ग्राहक सबरंग में अत्याधुनिक फैशन के साथ उच्चतम क्वालिटी के कपड़े ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि सबरंग में खुद की पार्किंग की सुविधा है। सबरंग स्टोर 70,000 स्क्वायर फीट में बना है। प्रोप्राइटर किशोर घोष ने बताया कि ग्राहकों का समय बचाने और ग्राहकों की सुविधा के लिए सबरंग में 15 बिलिंग काउंटर रहेंगे, साथ ही यहाँ हर समय 400 स्टाफ मौजूद रहेंगे। एसवी सबरंग का 12 बजे उद्घाटन है और हम सबों से कहेंगे कि एक बार जरूर आइए यहाँ पर और देखिए, पूरा फ्रेश स्टॉक के साथ और पूरे मार्केट से कम रेट में ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, कम रेंज, अगर 100 रुपया का भी सामान है तो यहाँ फ्रेश स्टॉक रखा हुआ है और रेट गारंटेड रेट है कि बाज़ार से पूरा कम है रेट यहाँ। और आप एक लगेगा आपको कि शहर का में कुछ एक नया स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट चीज़ आया है। और सबसे बड़ी बात है इस शॉप का कि आपको जाम में कहीं नहीं फंसना है, गाड़ी लगाइए आइए। नीचे पार्किंग 10,000 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। बिहार झारखंड का सबसे बड़ा स्टोर है और सबसे खूबसूरत स्टोर है और हमने इसमें सारे चीज़ों को कम से लेकर के अधिक दामों तक रखे हैं। मतलब ब्रांड भी लेना है किसी को, कोई कम दाम का भी लेना है तो वो हर चीज़ मिलेगा यहाँ पर, जो कि लगेगा आपको कि नहीं कुछ चीज़ बना है। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने इस डिसीजन को लिया कि नहीं, ऐसा शहर में एक चीज़ होना चाहिए। कई लोग आते हैं बाहर से, दिखता है कि भागलपुर में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ है, हर चीज़ है। आप आइए और इसको देखिए कि हमने क्या दिया है शहर को और क्या रेट, हर चीज़ आपको लगेगा कि नहीं ले लेंगे, चाहे गंजी हो, रूपा हो या कुछ भी हो, छोटा से छोटा आइटम हो, वो बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश किए हैं। रेट के साथ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। सारे बिलिंग काउंटर 15 यहाँ पे है, भीड़ से बचिए और एक बार आके जरूर देखिए। सर कल 12 बजे का ओपनिंग है और हम सबों से सादर आमंत्रित कहेंगे कि ओपनिंग डे स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल ऑफर दिया गया है, जो कि जरूर आके लाभ उठाएं। लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा द्वितीय वार्षिक समारोह का आयोजन भागलपुर के एक स्थानीय होटल में भागलपुर के युवा छात्रों के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेट्स इंस्पायर बिहार के लीजेंड आईपीएस विकास वैभव का युवा छात्रों द्वारा पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें आईपीएस विकास वैभव के साथ शहर के कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन किया। उसके बाद सभी गणमान्य लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिए। इस अवसर पर शहर के गणमान्य चिकित्सक, शिक्षाविद व समाज से भी उपस्थित रहे। वहीं आईपीएस विकास वैभव ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा क्षमता और उद्यमिता पर आधारित है। यहां की धरती नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संस्थान को अपने गोद में संजोए हुए हैं, फिर भी यहाँ के छात्र भटकते हैं। हम लोगों का सपना है कि अपना बिहार ऐसा समृद्ध बिहार बने जहाँ से युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं हो। वहीं उन्होंने बताया कि लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत अभी तक 65,000 विद्यार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं। उम्मीद है इससे लाखों लोग और लाभ उठाएंगे, जिससे हमारा बिहार समृद्ध और सुदृढ़ बनेगा। वहीं लेट्स इंस्पायर बिहार का द्वितीय वार्षिक सम्मेलन में आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि अभियान को जन जन तक पहुँचाना है और बिहार के छात्रों को आगे बढ़ाना है, तभी हमारा बिहार शिक्षित और समृद्ध बनेगा। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नया होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलकामांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा भागलपुर की गौशाला के प्रसाल में प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल और अंग प्रदेश के पदाधिकारी संघ सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सुनील जैन, रोहित बजोरिया और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन अंग प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी केजरीवाल ने प्रादेशिक अध्यक्ष युगल किशोर अग्रवाल का पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मान व स्वागत किया। इसके बाद अंग प्रदेश के सभी पदाधिकारी और सदस्यों का स्वागत किया गया। वहीं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का किस तरह से विस्तार किया जाए, किन किन विषयों पर कार्यक्रम करके समाज के विकास और उत्थान ला सके, उस पर वार्ता हुई। साथ ही कब और क्या कार्यक्रम किए जाए, इस पर भी वार्ता हुई। कार्यक्रम के दौरान बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के दर्जनों पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन क्षेत्रीय प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हम लोग सम्मेलन के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए, समाज में बढ़ती कुरूतियों को हटाने के लिए और राजनीतिक में अपनी एक पहचान बनाने के लिए आयोजन किया। हमारे संगठन पर हम लोगों को कहते हैं कि आप संगठित होइए। एक ज़माने में हमारे पूर्वज उस बेट के संगठन को हम लोग मांग करते थे, उन्हें पुनः लागू करें, सदस्य हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बने और हमारे यहाँ बढ़ती कुरूतियाँ जो प्री वेडिंग है, डिस्टेंशन विवाह है, उसके बाद ये आडंबर है, इन पर भी लोगों अपने विचार रखते हैं कि लोग उससे दूर हो। हमारे पूर्वज जब आए थे तो हमारे पूर्वजों ने अपने को स्थापित करने के लिए धर्मशालाएँ बनवाई, कुआँ खुदवाया, स्कूल बनवाए। आज कुआँ और धर्मशालाएँ जिन अवस्थाओं में भी बहुत है, हम चाहते हैं कि उसका उद्धार हो, जिससे सामाजिक संस्कृति जो हमारी है उसको कायम हम रख सकें और राजनीतिक में जो समाज सेवा हमारे समाज से ज़्यादा बढ़कर कोई समाज सेवा कर नहीं सकता है। इसलिए सबसे अपील भी करते हैं कि राजनीतिक में भी आवे। हमारे पूर्व में यहाँ से सांसद भी हुआ करते थे और हम चाहते हैं, हमारे चेयरमैन भी रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसकी पहल पुनः लोग आपस में करें, क्योंकि ये बात निश्चित है कि हमारे लोग व्यापार के अलावा हमारी शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा पकड़ हो गई है। इस बार 78 UPSC के एग्जाम में पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज के लोग पास किए हैं, ये अच्छी पहल है। लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति में भी अपनी पहचान बना दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य हमारे DNA में बसा हुआ है कि हम समाज सेवा करें, इसलिए हम चाहते हैं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सम्मेलन की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जो पूरे भारतवर्ष में चलती हैं और कहीं कहीं भी सीमा के पार भी चलती है, देश की सीमा के उस पार भी चलती है, हम उसकी योजना बताने के लिए हमारे अध्यक्ष जुगल अग्रवाल जी भागलपुर आए हैं और अध्यक्ष जी के सानिध्य में हम लोगों ने ये प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा जो जनहित के काम किए जाते हैं वो फिर से लोगों को याद दिलाने, जागरूक करने और उस काम में और किस तरह से सेवा भाव के साथ बढ़ोतरी की जाए, यही उद्देश्य आज का है। एक उद्देश्य ये भी है कि हमारा समाज, राजस्थान और हरियाणा का समाज, हम लोग मूलतः वहीं के से निकल के सब जन्म गए हैं। हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्व में बहुत मजबूत थे। भागलपुर के स्वतंत्रता के बाद प्रथम चयनित जो सांसद हुए वो मारवाड़ी समाज से जुड़ने वाला थे और लोकसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर गौतम भैया, गौतम भैया भागलपुर के ही सीताराम जी किशोरपुरिया विधायक बने बांका क्षेत्र से, वो हमारा राजनीतिक
जो सहभागिता थी या राजनीतिक सेवा कार्य था वो भी काफ़ी मजबूत था, लेकिन कुछ गतिविधि समाज में स्थिर हुई, राजनीति के प्रति हम लोग जागरूकता में थोड़ी कमी आ गई। इसलिए हम लोग ये भी एक उद्देश्य बनाए हैं कि हमारे समाज के लोग हर तरीके से जब शिक्षित हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र की जयंती पर कलवार सभा भागलपुर इकाई द्वारा पूजन उत्सव पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में किया गया। कलवार सभा की ओर से पूरे शहर में बलभद्र जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कलवार समाज के महिला बच्चे पुरुष शामिल थे। वहीं शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ भगवान बलभद्र की झांकी निकाली गई, लोग भक्ति धुनों पर खूब थिरकते दिखे। कलवार सभा के अध्यक्ष गिरीश चंद्र भगत ने बताया कि भागलपुर में बहुत जल्द भगवान बलभद्र का भव्य व विशाल मंदिर बनाया जाएगा, इसके लिए योजना बनाई गई है, जमीन की तलाश हो रही है। सवाल देखिए है कि हर बिरादरी के इस जंजाल में आदमी अपने अपने उस बिरादरी के जो अंतिम पौदान पे जो लोग हैं उनको एक स्थान पे लाने के लिए एक समागम किया जाता है, एक सत्संग किया जाता है, और उसका जो है जीता जागता उदाहरण अभी आपने देखा कि भगवान बलभद्र पूजा जयंती समारोह मनाया जा रहा है, और उसके माध्यम से हमारे कलवार सभा के जो अध्यक्ष हैं भाई गिरीश भगत जी, हमारे अमित भगत जी, नीरज भगत जी, अभय चौधरी जी, राजकमल जी, शंभू जी, ये जितने भी लोग हैं संघ समिति चलाने वाले लोग, इनकी एक ही मात्र उद्देश्य है कि हम अपने पारिवारिक मिलन समारोह के माध्यम से एक दूसरे का जो है एक रिलेशन को आगे बढ़ाएं, बच्चियों की शादी के लिए उनका नाम कलेक्ट करें, उनके छात्रवृत्ति की बात करें, उनके वेलफेयर की बात करें, ये बलभद्र पूजा के माध्यम से ये लोग करने जा रहे हैं। और इनका जो मात्र उद्देश्य है कि भागलपुर जिले के आसपास, चाहे वो अमरपुर हो, संग्रामपुर हो, तारापुर हो, या आपका जो है नौगछिया हो, नारायणपुर हो, कहलगांव हो, सभी लोगों के यहाँ इन लोगों ने इस मूसलाधार बारिश में भी जा जा कर लोगों को इन्होंने निमंत्रण दिया। और जितने भी हमारे कलवार सभा के साथी हैं, पदाधिकारी हैं, जो ईगो नहीं पालते हैं, सबको एक साथ लेके चलने का जो तमन्ना है उसका एकमात्र उद्देश्य है सबका विकास, सबका। भगवान बलभद्र की जयंती, कृष्ण के अग्रज भगवान बलभद्र की जयंती के उपलक्ष्य में भगवान बलभद्र और सहस्त्रा अर्जुन की शोभा यात्रा देवी बाबू धर्मशाला से निकलकर स्टेशन चौक होते हुए वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, कोतवाली चौक होते हुए पुनः देवी बाबू धर्मशाला में समापन किया गया है। ये शोभा यात्रा और बलभद्र जयंती का आयोजन विगत 26 वर्षों से यहाँ कलवार सभा के द्वारा आयोजित किया जाता है। कलवार सभा के अगुवाई में यह बलभद्र जयंती मनाई जाती है, और इसके साथ परिवार मिलन, सारे समाज, अपने समाज के लोग, बच्चे बच्चियां, महिलाएं आती हैं, और इसका उद्देश्य है कि एक दूसरे से परिचय बढ़ाना, कलवार समाज के बीच पारिवारिक परिवेश को बढ़ावा देना, एक दूसरे से लोग परिचित हों, संगठनिक रूप से जुड़ें, शैक्षणिक रूप का वातावरण बने, बच्चे बच्चियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो लोग आएँ और जो है सांस्कृतिक परिवेश भी पैदा हो इससे बच्चों में, और सामाजिक एकता और समरसता का जो है अपने समाज में कायम रहे, इसके लिए हम लोग ये कलवार सभा के द्वारा जयंती का आयोजन इस उपलक्ष्य में करते हैं। इस साल दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो जाएगी। इसको लेकर दुर्गा पूजा महासमिति द्वारा एक बैठक रखी गई, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संरक्षक पद के लिए चुनाव किए गए। दुर्गा पूजा शांति व सौहार्द के साथ मनाने के लिए सभी दुर्गा मंदिर के मेड़पति एवं सदस्यों को बुलाया गया, और भाईचारे व शांति सौहार्द के साथ इस त्यौहार को सम्पन्न करने की अपील की गई। गौरतलब है कि इस वर्ष दुर्गा पूजा 15 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू हो जाएगा और दसवीं को 24 अक्टूबर के बाद विसर्जन से समाप्ति होगी। वहीं दुर्गा पूजा महासमिति के वर्तमान अध्यक्ष अभय कुमार घोष ने बताया कि इस बार डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, हम लोग हर वार्ड में जाकर दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से डेंगू मरीज से मिलेंगे और उनका उचित इलाज भी कराएंगे, साथ ही हर वार्ड में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग एवं साफ सफाई भी कराई जाएगी, जिससे पर्व त्यौहार में किसी तरह की खलल न आए। वहीं उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है, उम्मीद है प्रशासन से पूरी मदद मिलेगी। श्री श्री 108
दुर्गा पूजा महासमिति की आम सभा लहरी टोला स्थित वृंदावन भवन में आयोजित की गई है। आज की इस आम सभा में मुख्य रूप से भागलपुर के जो स्थानीय पूजा समिति हैं उसके मेड़पति, उसके पूरी टीम, दुर्गा पूजा महासमिति के पदाधिकारी, हमारे संरक्षक और जो शहर के गणमान्य लोग हैं जो इस पूजा में इनकी पूरी भागीदारी होती है वो आज बैठे हैं। आज मुख्य रूप से जो आम सभा जो परंपराओं से हम लोग हर वर्ष जो आम सभा होता है उसमें जो हम लोग का जो एजेंडा तय किया हुआ है उस एजेंडे पर हम लोग विषय को रख करके उसको हम लोग फॉलोअप कराएंगे। तो मुख्य रूप से क्या है कि वर्ष 2022-23 का जो हम लोग का आई पी है वो कोषाध्यक्ष के द्वारा उसको दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग हर वर्ष हम लोग परंपरा के अनुसार जो है क्या कहता है आम सभा करते हैं। इस आम सभा में आज मुख्य रूप से अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, अंकेक्षक कुल 5 पदों का जो है आज चयन होना है। उसके बाद महासमिति के द्वारा चुने गए जो पदाधिकारी हैं उनको विस्तार की जिम्मेवारी दी जाएगी। साथ ही साथ महासमिति ने आज आम सभा के पहले हम लोग भागलपुर के स्थानीय पूजा समिति से हम लोग मिले हैं, उनसे मिल करके जो आपका जो स्थानीय मामला है हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उस मामला को आप लिपिबद्ध करके हम लोग को देंगे और उस लिपिबद्ध को, उस पेपर को, उस कागज़ को हम लोग डीएम साहब के यहाँ, संबंधित पदाधिकारी के यहाँ दे करके जो स्थानीय समस्या है उसको हम लोग कराने का काम करेंगे। इस वर्ष दुर्गा पूजा महासमिति हमेशा कुछ तकनीकी काम को करती है, समिति समाज से जुड़े हुए काम को करती है। इस बार डेंगू का चूंकि महामारी है तो डेंगू के महामारी को लेकर महासमिति का पहला फोकस है। आम सभा के पहले भी महासमिति की पूरी टीम शहर के कई पूजा स्थलों पर, कई जोन में जाकर के, गली गली में जाकर जो डेंगू से पीड़ित लोगों में है उसकी जानकारी ली। अभी हम लोगों ने पहला फेज में सर्वेक्षण का कार्य किया है। इसके उपरांत हम लोग जगह जगह पर डेंगू के बचाव के लिए सेमिनार भी करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग फॉगिंग का काम, सफाई का काम, ब्लीचिंग का भी काम समाज के सहयोग से दुर्गा पूजा महासमिति करेगी। अभय कुमार घोष, अध्यक्ष, दुर्गा पूजा महासमिति, वर्तमान अध्यक्ष। जातिगत जनगणना पर भाजपा द्वारा रोक लगाने की कोशिश करने की बात कहते हुए जनता दल यूनाइटेड ने पूरे सूबे में हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू किया है। कहीं मशाल जुलूस तो कहीं काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बाबत भागलपुर के कचहरी चौक पर भी जदयू के कार्यकर्ताओं ने जमकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जाति जनगणना पर रोक लगाना चाहती है यह कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, यह कहीं से सही नहीं है, इसलिए भाजपा के मंसूबे ठीक नहीं है, वो किसी भी हालत में 2024 के चुनाव में नहीं आ पा रही, इसलिए वो बौखलाई हुई है। प्रदर्शन के दौरान जदयू भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। जाति जनगणना का विरोध किया जा रहा है, हम लोगों का कार्यक्रम था हर जिले के मुख्यालय में जो जाति जनगणना के विरोध में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, अपना रोक लगाने का प्रयास जो किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग आज काल धरना दिए हैं, काला पट्टी लगाकर उनका विरोध कर रहे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्रा ने राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कुल गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। एनएसएस के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं एनएसएस कार्यकर्ताओं ने कई मॉडल बनाकर पेश किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें समाज, राज और देश को समृद्ध बनाने के लिए सिखाती है और जन जन तक सेवा भाव रखने का बोध कराती है। साथ ही कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक बनने की शिक्षा लेते हैं जिससे और भी समाज के लोग प्रेरित होकर सेवा भाव से जुड़ते हैं। मैं सर्वप्रथम एनएसएस दिवस पर अपने तमाम राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी और जो एनएसएस वॉलंटियर्स के अलावे सभी शिक्षक, सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।
और आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की जो स्थापना दिवस है 24 सितंबर, इसकी स्थापना दिवस की शुरुआत 24 सितंबर 1969 में की गई थी में, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का सोचना ये था कि राष्ट्र निर्माण के जो युवाएं हैं उनको राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए, और सभी एनएसएस की स्थापना की गई, और साथ ही साथ अभी जो है या वर्तमान में युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। जब इसकी स्थापना शुरू में की गई थी एनएसएस का, तो मात्र जो है 40,000 ही विद्यार्थी थे 37 विश्वविद्यालयों में, लेकिन आज जो है ना वो लाखों विद्यार्थी एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं। और एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है कि जो स्कूल में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में जहाँ भी विद्यार्थी हैं,